खैरागढ़ खजरी में सीसी रोड निर्माण का हुआ भूमि पूजन। खैरागढ़ समीपस्थ ग्राम पंचायत खजरी में 5.60 लाख रुपए के लागत से 2 जगह बनने वाले सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन का रागढ़ जप अध्यक्ष विक्रांत सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम माँ सरस्वती की तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित करके विधिवत शुरुआत हुई। तत्पश्चात कार्यक्रम को श्री सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि गांव के बहुप्रतीक्षित मांग को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के लोकप्रिय युवा सांसद अभिषेक सिंह की अनुशंसा से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा इस ग्राम में सीसी रोड निर्माण के लिए 5.60 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच उमेश वर्मा, भगवान दास खरे, हीरा चंदेल, यशवंत सिरमौर, नारद वर्मा, सचिव रामकुमार राडेकर सहित समस्त ग्रामीण उपस्थित थे। CNI न्यूज खैरागढ़ से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। सुकमा जिले से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। बीती रात 20 से 25 की संख्या में पहुंचे थे नक्सली घटना को अंजाम देने। मृतक पर लगाया पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप। नक्सलियों ने घटनास्थल पर फेंके पर्चे में पुलिस का सहयोग करने पर दी जान से मारने की चेतावनी। घटना से ग्रामीण दहशत में। मलकानगिरी के माथी थाना क्षेत्र के मामला। CNI न्यूज सुकमा से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा सुकमा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों की जाल से ग्रामीणों को मिलेगा अनेक फायदा। दंतेवाड़ा सुकमा जिला के सीमावर्ती गांव कुंडापारा, कुंडासावली, कमलगुड़ा, तुरमा, करीगुडम एवं अन्य गांव के ग्रामीणों के इच्छानुसार अरनपुर पालनार के माध्यम से दंतेवाड़ा तक सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन एवं सुरक्षा बलों द्वारा प्रयास की जा रही है। जिला में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं की समाधान हेतु कोशिश की जा रही है। इन जनसंपर्क कार्यक्रमों में ग्रामीणों द्वारा अपना बालक बालिकाओं के पढ़ाई, मरीजों के इलाज तथा अन्य दैनिक व सामाजिक कार्य हेतु ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय तक आवक जावक हेतु सड़कों की मांग प्रमुख रूप से की जाती है। इसी प्रकार कोंडापारा, कोंडासावली, कमलगुड़ा, तुरमा, करीगुडम एवं अन्य गांव के ग्रामीणों द्वारा जगरगुंडा अरनपुर दंतेवाड़ा सड़क को पुनर्जीवित करने हेतु लगातार मांग की जा रही थी। ग्रामीणों के इस मांग को देखते हुए शासन द्वारा जगरगुंडा अरनपुर मार्ग निर्माण की निर्णय लिया। वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। CNI न्यूज दंतेवाड़ा से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। बस्तर 80 बेरोजगार युवाओं ने करवाया पंजीयन। विजय श्रीवास्तव रोजगार यात्रा का आज 8वां दिन। ग्रामीण जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में मिरपाल, मंजीगुडा, डोंगर गुड़ा तथा अन्य गांव में पहुंची रोजगार यात्रा बेरोजगार युवाओं का पंजीयन किया तथा विश्वास दिलाया कि जोगी जी की सरकार बनते ही सभी को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी तथा प्रदेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार में 90% का प्रावधान लाया जाएगा। आज की साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष तिवारी लाल नेताम, नगरनार ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश समरथ, नगरनार ब्लॉक महासचिव सुनील नागौर भी कार्यकर्ता मौजूद थे। CNI न्यूज बस्तर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। बस्तर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक। बस्तर विधानसभा के किंजोली ग्राम में बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से संवैधानिक कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि, बूथ के संयोजक, पालक सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें बस्तर, बकावंड व करपावंड के कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से बस्तर विधानसभा के प्रभारी श्री राम प्रताप सिंह जिया, अध्यक्ष वन औषधि बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित थे। अध्यक्षीय भाषण श्री बैदुराम कश्यप ने दिया। बैदुराम जी, बूथ स्तर में जाकर काम करना है। सुभाव राम कश्यप जी ने प्रस्तावना पर प्रकाश डाले। भाजपा को श्री राम प्रताप जी ने मजबूती प्रदान किया है। 3 बार सरकार भी भाई साहब जी के नेतृत्व में बनी है। बस्तर जितना है, 157 मतदान केंद्र है, 110 पंचायत है। आज बैठक में 254 अपेक्षित थे, जो प्रमुख कार्यकर्ता है। CNI न्यूज बस्तर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।